हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्स रेज क्या होती हैं और थोड़ा सा हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ाना चाहता है तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये सेक्शन हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं जो पेज नंबर 30 पे, यहाँ पे देखिए ग्रीन बॉक्स में ऐसा बना हुआ है, करेक्ट। जी, थॉमसन मॉडल के बाद, और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। बट अभी अभी बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो, करेक्ट, शायद कोई बच्चा हो नया आया हो, तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 के शायद आपके मॉल कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, क्वेश्चन ना लग रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन ना लग रहे हो, केमिस्ट्री ही ना समझ में आ रही हो क्लास 11th में। तो अगर ये सारी आपके साथ प्रॉब्लम है, आपने बहुत जगह वीडियोस देख लिए, नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप एक काम करिए, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए, वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 1 का तो लिंक मिल जाएगा, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी है, करेक्ट। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का भी सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पिन कमेंट में दिया हुआ है, 7503644171। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एक्स रेज की खोज है, इसका श्रेय विलियम रॉन्सन को जाता है। रॉन्सन 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज करी थी। एक्चुअल में करी नहीं थी, गलती से हो गई थी। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं कहानी। कैथोड रे ट्यूब के बारे में तो सबको पता है, पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए जाके प्लीज। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर देखिए कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज निकलती थी जिसको कैथोड रेज बोला जाता था, जो कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से बना होता था। तो देखिए, ये कोई कैथोड रे की कुछ स्टडी कर रहे थे, करेक्ट। रॉन्सन क्या कर रहे थे? कैथोड रे की कुछ स्टडी कर रहे थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स अंदर रख के, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, ये स्टडी कर रहे थे कैथोड रे के ही ऊपर, और ज़्यादा उसके बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन गलती से क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने कुछ मटेरियल्स भी अंदर रखे, करेक्ट। ये चेक कर रहे होंगे शायद कैथोड रे की पेनिट्रेटिंग पावर या कुछ भी, ये चेक कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब मुद्दा नहीं है, उसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। अब आप सुनो, हुआ क्या कि इनकी जो कैथोड रे है, सोचिए, आपको हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैथोड रे क्या होती है, एक हार्ड ग्लास की ट्यूब होती है। तो ये देखिए, हार्ड ग्लास की ट्यूब है, काफ़ी हार्ड ग्लास है, उसका बना हुआ ये ट्यूब है, ठीक है। तो इससे उनकी ट्यूब रूम में जहाँ पर रखी हुई थी, जहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, उससे 9 फीट की दूरी पर, 9 फीट्स की दूरी, 9 फीट की दूरी कम नहीं होती बच्चों, 9 फीट की दूरी पर फ्लोरोसेंट मटेरियल कुछ रखा हुआ था, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं आपको पता है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, करेक्ट, जिस पे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई वेव आके पड़ेगी तो वो चमकने लगते हैं, वो ग्लो करते हैं, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, करेक्ट। तो सोचो, इस टेस्ट ट्यूब से करीब ये 9 फीट की दूरी पे, करीब 9 फीट की दूरी पे इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे रखा हुआ फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। उन्होंने कह रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, ज़रूर आके ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड, इसको हम अभी फ्लोरोसेंट मटेरियल FM बोलते हैं, FM का मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिस पे आके कोई चार्ज पार्टिकल गिरेंगे या कोई वेव आके इस पे अगर गिर जाएगी, इस पे फॉल होगी, तो ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, चमकने लगेंगे, करेक्ट। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हुए भाई, इन्होंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है, पूरे रूम में तो आएँ और पे तो कहीं ऐसा कोई मटेरियल आके नहीं इस पे फॉल कर रहा है, सब चेक वेक किया। तो बाद में क्या पता चला, बाद में ये पता चला कि ये कैथोड रेज जो जाती है ना, कैथोड रेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखा रहे हैं, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे जो मटेरियल रखा होता था इस पे आके जब टकराते थे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, इस पे जब टकराते होंगे, इन्होंने गेस किया, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, माइंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, या अभी के लिए आप बोलिए कि यहाँ से कोई रे निकलती है, क्योंकि मान के चलो कि भी उनको नहीं पता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, करेक्ट। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा जो उन्होंने गेस किया, उन्होंने गेस किया, अच्छा यहाँ पर जो मटेरियल रखा हुआ है इस पर आके जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो यहाँ से ये देखिए कुछ वेव्स निकल रही हैं, ये ऐसे, और देखिए ये वेव्स जब निकलती हैं और यहाँ पर पड़ती हैं। अब आप बोलोगे, सर ग्लास तो बहुत हार्ड था, ये ग्लास को क्या पेनिट्रेट करते हुए, पेनिट्रेट मतलब उसको छेदते हुए क्या बाहर निकल गई, ग्लास को पार कर सकती हैं क्या ये? हाँ, यही चीज़ है, जो एक्स रेज होती हैं, ठीक है, ये ग्लास को पेनिट्रेट, ग्लास क्या, ये क्या क्या पेनिट्रेट कर देती हैं यार, इसीलिए तो किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड जब देखना होता है तो हम एक्स रेज का यूज़ करते हैं, हाँ भाई उस ऑब्जेक्ट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, करेक्ट। आपने मेडिकल साइंस में भी एक्सरे के यूज़ देखे होंगे, है ना, लंग्स वगैरह का एक्सरे करते हैं और जो भी है, ठीक है, चेस्ट वगैरह का एक्सरे करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट का एक्सरे किया जाता है, करेक्ट, कि अंदर क्या चल रहा है मामला, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। तो एक्स रेज में एक हाई
पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो ऑब्जेक्ट्स को भेदते हुए छेदते हुए अंदर चला जाता है और अंदर के ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, एक बेसिक सी जानकारी एक्सरे के बारे में जो आपको भी पता होगी, ठीक है ना। हाँ, तो गेम ये हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इस मटेरियल पे टकराए तो यहाँ से कुछ निकलता होगा जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती होगी। जब ये जाके फ्लोरोसेंट मटेरियल पे गिरता था, ठीक है ना, तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करता था। अब जब ये ग्लो करता था तो इन रेज को, क्योंकि इनका नाम नहीं पता था, तो ऐसे जनरली इन्होंने बोला हाँ भाई इस कैथोड रे में से कोई एक्सरे निकल रही है। उन्होंने उस टाइम क्या बोल दिया, 1809 में, यहाँ पे कोई एक्सरे निकल रही है, ऐसे ही बोल दिया। और आज तक भी नाम इसका क्या पड़ा है, एक्सरे। इसका कोई और नाम नहीं रखा गया, इसका नाम एक्सरे ही रखा गया है अभी तक, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैथोड रे हैं मटेरियल पे टकराएंगी तो कुछ रेज यहाँ से निकलेंगी जिनको एक्सरे बोला गया, ठीक है। कैसे पता चला इनका, क्योंकि बाहर रखा हुआ फ्लोरोसेंट मटेरियल चमकने लगा तो यानी कि रेज यहाँ से अंदर से ही आ रही होंगी। बाद में और भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए तो पक्का पता चल गया हाँ ये रेज यहीं से आ रही हैं, ठीक है ना। बहरहाल ओके, तो यहाँ पे जो मेटल की पत्ती लगी हुई है, आपको पता है, हमने आपको बताया था ये मेटल की ऐसे स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। तो उन्होंने बाद में इसके साथ भी ट्राई करके देखा, ये जो मेटल की स्ट्रिप है इस पे भी ये कैथोड रेस जब आती थी, ठीक है, यहाँ से मटेरियल वाला हटा दिया, इन पे काफ़ी डेंसिटी के साथ ये कैथोड रेस डाली, ठीक है ना। तो यहाँ से भी देखिए ये एक्सरेज निकलती उनको दिखाई पड़ी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ भाई कुछ ऐसा हो रहा है कि कैथोड रे जब डिफरेंट मटेरियल्स पे जाके फॉल होती हैं तो वो मटेरियल से एक स्पेशल टाइप का रे निकलता है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं, करेक्ट। तो ये बात है, अब सुनो, ये जो एक्सरेज हैं इनकी कुछ खासियत है, ये आपको याद करना है, करेक्ट। अब देखिए एक्सरे की जो फीचर्स हैं या इसकी जो खासियत हैं या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि भाई एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। ये मैटर को पेनिट्रेट करते हुए, ये मैटर को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक चला जाता है और अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में ही आपको बताता है, करेक्ट। तो इट इज़ यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात आपको ये याद रखना है क्या, कि ये जो एक्सरेज थी बच्चों, करेक्ट, ये एक्सरेज जो थी ये आपकी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक्सरेज जो थी, ठीक है, ये ना तो आपकी कैथोड रेज जैसी थी, कैथोड रेज याद हैं किससे मिलके बनी थी, इलेक्ट्रॉन से, करेक्ट, ना तो ये कैथोड रेज जैसी थी और ना तो ये आपकी एनोड रेज यानी कि कैनाल रेज जैसी थी, ठीक है। एनोड रेज याद है आपको पॉजिटिव गैसियस के आयन से मिलके, पॉजिटिव गैस के आयन से मिलके बनी थी, तो ना तो ये एनोड जैसी थी, ना तो ये एनोड जैसी थी, ना तो ये कैथोड जैसी थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कैथोड रेज जो होती थी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो जाती थी, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जाती थी, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो कैथोड रे को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो इनका डेविएशन हो जाता था, डिफ्लेक्शन हो जाता था, और एनोड रे का भी, एनोड रे को भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे या मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो एनोड रे का भी डेविएशन हो जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं ये पता चलता था इस एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रे नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और एनोड रे आपकी पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये जो आपका एक्स रे है बेटा, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, या नो डेविएशन आप बोल सकते हो, नो डिफ्लेक्शन या नो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मैग्नेटिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये कोई भी तरीके का डेविएशन या रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में नहीं शो करती थी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता है कि एक्स रेज में चार्ज कैरेक्टर नहीं होता था, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल से नहीं मिलकर बनी हुई है ना, ये चार्ज पार्टिकल से नहीं मिलकर बनी हुई है, यही तो चीज़ है, यही तो गेम है। एक्स रे क्या है, वेव्स हैं यार, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। वेव्स और पार्टिकल में अंतर होता है, ठीक है, वेव्स और पार्टिकल में अंतर होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, कक्षा 12 में भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि जो एक्सरे होती है वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट। तो इससे पता चला हाँ भाई कहीं ना कहीं ये चार्ज भी नहीं होती होंगी। अब वेव हैं तो चार्ज कैसे होगा, ये थोड़ा सा इसका गेम हम आपको बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। लेकिन देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आती है, सनलाइट आती है और जो जो वाइट लाइट आती है आपकी एलईडी से निकलती है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। तो सन से जो वाइट लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, करेक्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो तरीके के फील्ड से मिलकर बना हुआ है, किससे, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स दो तरीके के फील्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होते रहते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना, जो उनकी मात्रा है, वो लगातार चेंज होती रहती है स्पेस में, करेक्ट। तो कुछ ऐसी घटना घटती है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है, उसको थोड़ा इमेजिन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, बात समझो जरा। देखो
इसका अगर हम आपको डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए ज़रा इसको हम कहाँ पे बनाएं, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। आप तीन एक्सेस के बारे में सोचिए, ठीक है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन सी? ये हो गई एक्स एक्सेस, करेक्ट, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सेस, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री एक्सेस के बारे में आप सोच सकते हैं, करेक्ट। तो ये हो गई देखिए एक्स एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, ठीक है। तो वाई एक्सेस अब बोर्ड से तो बाहर मैं निकाल नहीं लूँगा, होना तो ऐसे चाहिए, और ये हो गया आपका कौन सा, जेड एक्सेस, करेक्ट। अब ये देखिए वाई एक्सेस बोर्ड से बाहर आएगी तो मैं तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, करेक्ट। अब होता क्या है, जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स, आप देखोगे इसको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को, करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पर टोटल अगर आप ध्यान दें तो आपके पास टोटल थ्री प्लेन्स बन के आ रहे हैं। कौन कौन से प्लेन? एक तो ये वाला प्लेन है, देखिए, एक तो ये वाला प्लेन है, सबको दिख रहा है, करेक्ट। ये देखिए ये वाला प्लेन है, करेक्ट। ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा? ये वाला प्लेन, इधर वाला, ये वाला प्लेन, करेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको इस तरीके से इमेजिन कराते हैं, ठीक है ना, समझना तो पड़ेगा ये आपको, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए ये जो प्लेन बनेगा किससे? एक्स एक्सिस से। और आप अपने घर की फर्श देख सकते हो यार, अपनी फर्श देखो, फर्श में अपने घर की जो फर्श है, फ्लोर है, उसको देखो, ठीक है, अपने कमरे को देखो, इधर एक गया होगा ऐसे एज, एक इधर गया होगा, तो यहाँ पे फ्लोर बन रहा होगा, ये होगा आपका एक्स वाई प्लेन, करेक्ट। ये वाई है, ये एक्स है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, आपकी फर्श जो है वो एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट, एक्स वाई प्लेन है, ठीक। और एक तो ये प्लेन दिख रहा है, ये तो आपको सबको दिख रहा होगा, एग्जैक्ट प्लेन, ध्यान से चेक करिए, एग्जैक्ट प्लेन। और एक ये वाला प्लेन है, ठीक है, जो किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ये वाला जो प्लेन है वो किससे किससे बना, अपने कमरे की ये वाली दीवार को देखो, लेफ्ट वाली दीवार की दीवार को देखो, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्लेन है जेड और वाई प्लेन से मिलकर बना हुआ है ये, ऐसे, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको सिर्फ दो प्लेन के बारे में सोचना है, एग्जैक्ट प्लेन, ये वाला प्लेन, और एक ये वाला प्लेन जो बाहर आ रहा है, ये ऐसे आपके घर की फर्श, ठीक है। अगर अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, बात समझिएगा। देखिए एक बुक ले लेते हैं, ये मैथमेटिक्स की बुक है, ये ऐसे, अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, हाँ। एक ये वाला प्लेन दिख रहा है एग्जैक्ट, और एक ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला कौन सा है, एक्स वाई, क्योंकि एक्स इसकी लेंथ है और वाई क्या है, इसकी ब्रेथ है, ऐसे आप समझ सकते हो, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसमें दो तरीके के वेरिएशन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशन होंगे, ध्यान से सुनिए, वो इस प्लेन में हो रहे होंगे, अगर ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन अगर इस प्लेन में हो रहे होंगे, सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन इस प्लेन में हो रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये इस प्लेन में, करेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेरिएशन होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, करेक्ट। ये देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब समझो, ये देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑस्किलेट कर रही होगी, अब यह ऑस्किलेट कर रही होगी, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे सब सीखो के परेशान ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ऑस्किलेट कर रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ऑस्किलेट कर रही होगी, ये ऐसे, अब समझ गए, अब सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो आइए बनाते हैं, तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पर ई से दिखाया, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर बी से दिखाएंगे या एम से दिखाएंगे। अब देखो इस प्लेन में होगी तो भाई मैं हवा में तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं बोर्ड में इस तरीके से बना देता हूँ, समझ गए, थोड़ा सा टेढ़ा करके, ये करेक्ट। फिर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन एक्स जेड प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन, हालांकि ये चेंज होते रहते हैं अल्टरनेटली, बट उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप समझो जरा, बस जब भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी मिलेगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुछ ऐसे डायग्राम्स आप गूगल भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाए, कुछ ऐसे डायग्राम्स आप देखा करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, जल्दी से अगर हम इसको बनाएं तो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है ना। बहरहाल ये शॉर्ट में हमने बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होते रहते हैं, कहाँ, टू डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। और ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये वेव आगे बढ़ती जाएगी। वेव क्या होती है बच्चों? जो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, याद रखिएगा, वेव क्या होती है, मीडियम में एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, यानी कि लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, खत्म होती है, बनती है, खत्म होती है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, अपने आप में एक चैप्टर आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन होते हैं, बनती है, खत्म होती, बनती, खत्म होती, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, खत्म होती, बनती, खत्म होती, बनती, खत्म होती, मतलब उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, इस तरीके से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट कर रही है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में, और कुछ आगे बढ़ रहा है, जो वो कुछ आगे बढ़ रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वो कुछ क्या है, वही वेव है, और वो एनर्जी कैरी करता है, करेक्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये जो एक्स रेस थी
बाद में देखा गया कि इन एक्स रेज में भी यही वाली प्रॉपर्टी है, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या इन एक्स रेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, करेक्ट। यानी कि इन ये जो एक्स रेज हैं ये भी कुछ इसी तरीके से चलती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, करेक्ट। और सुनिए, हमने आपको बताया वेव एनर्जी कैरी करती है, तो ये जो आपकी वेव होती हैं, कौन सी, एक्स रेज वाली जो वेव होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं बच्चों। यही रीज़न है कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है, अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो सोचो कहीं पे भी ये छेदते हुए ऐसा निकल जाएंगे। इसीलिए तो उसका यूज़ एक्सरे वगैरह के लिए किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर को चेक करने के लिए किया जाता है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा, और इनका जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी शॉर्टर होता है, करेक्ट। वेवलेंथ क्या होता है, टू कॉन्जिकेटिव, आप बस देखिए, बहुत टेक्निकली हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन टू कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट अगर आप कहीं पे देखें, देखिए बात समझो ना, अगर हम सिंपल वेव बनाएं, जैसे ये देखिए एक सिंपल वेव है, टू कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है टू कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट का, ठीक है, क्रेस्ट समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो टू कॉन्जिकेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, या टू कॉन्जिकेटिव लगातार आने वाले ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। तो इनका जो वेवलेंथ होता है इन वेव्स का, वो बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होता है, ठीक है। और सब बातें हम आगे चल के सेक्शन 2.3 में एनसीईआरटी में डिटेल करेंगे। मोटी मोटी बात ये है कि एक्सरेज आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, ओके। इसका चलने का स्टाइल हमने आपको बता दिया, तो ये सारी चीज़ें, करेक्ट। अब आइए इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। आपको एक्सरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी, वो हमने आपको दे दिया, ठीक है ना। तो रॉन्जन इन 1895 शोड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक अ मटेरियल इन द कैथोड रे ट्यूब प्रोड्यूस रेज विच कैन कॉज फ्लोरसेंस इन द फ्लोरसेंट मटेरियल प्लेस आउटसाइड द सीआरटी, आउटसाइड द सीआरटी मतलब आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब, करेक्ट। तो ये बात हमने आपको बताई कि कैथोड रे से बाहर रखे हुए मटेरियल में भी कुछ रेज ऐसी निकल रही थी कैथोड रे के अंदर से, जो ग्लास को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल के बाहर ग्लो पैदा करती थी, करेक्ट। फिर इन एक्सरेज के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लीजिए। दीज एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने आपको बताया कि ये जो एक्सरेज हैं, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे, करेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। इसका इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है हाँ, इनमें चार्ज वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं है, यानी कि चार्ज पार्टिकल वार्टिकल से नहीं मिलकर बनी है, ये वेव कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं शो कर रही हैं, करेक्ट। कह रहा है एंड हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। मैंने आपको बताया ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं भैया, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी होगी, करेक्ट। और इसी एनर्जी के कारण ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सकती है, और यही रीज़न है कि ये मैटर के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है। दैट इज़ द रीज़न दैट दीज रेज आर यूज टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद हमने आपको बताया इसका वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 0.1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10^-9 मीटर, करेक्ट। तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 0.9 × 10^-9 मीटर के ऑर्डर का होता है, नैनो का मतलब 10^-9 आपको पता है। और ये जो एक्स रेज होती हैं इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओके। इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी, बट रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले आपको दो टर्म समझने पड़ेंगे केमिस्ट्री में। देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। सुनिए, ऐसे प्रोसेस जो खुद पे खुद होते हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, करेक्ट। ऐसे प्रोसेस जो खुद पे खुद होते हैं, आप बोल सकते हो ऐसी केमिकल रिएक्शंस, या ऐसे प्रोसेस जो खुद पे खुद होते हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई एफर्ट नहीं करना, आपको कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करनी, आपको कुछ नहीं करना है, करेक्ट। जो अपने आप ही होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो केवल तभी तक होंगे जब तक आप एनर्जी सप्लाई करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने आइस ले लिया, करेक्ट, जो बर्फ होती है, आइस आपको पता है वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, करेक्ट। ये अपने आप मेल्ट होती है बच्चों, ये अपने आप मेल्ट होती है। आप इसको ऐसा नहीं कि नीचे से ले आके किसी बर्नर से गर्म करोगे तभी मेल्ट होगी, हाँ वो अलग बात है कि आप इसको बर्नर से गर्म कर दो नीचे से तो और तेज़ी से इसका जो मेल्ट करने का रेट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो मेल्टिंग है वो अपने आप नहीं होगा। आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, अपने आप मेल्ट हो जाएगी, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। क्लास 10th में हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, याद है, वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी थोड़ा सा H2SO4 डाल के कंडक्टिव उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की, इलेक्ट्रोलिसिस आपने वाटर की करी थी, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था, बैलेंस वैलेंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता था आपको याद है, इस प्रोसेस में जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आप करोगे,
तब तक ही ये प्रोसेस होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दोगे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल था याद है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगी, करेक्ट, यानी कि अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा। तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्यों, अपने आप नहीं हो रहा है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब तक हो रहा है, फिर जब देना बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, करेक्ट। एक तो ये बात आपको समझनी है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नेचर में खुद पे खुद होते हैं, आपको कोई भी एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की, कोई एक्सटर्नल एजेंट आके उसको नहीं करवाएगा, वो अपने आप होंगी, एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि रेडिएशन क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, रेडिएशन क्या होते हैं, करेक्ट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रेडिएशन फिजिक्स में या केमिस्ट्री में रेडिएशन हम किसको बोलते हैं, बहुत बेसिक डेफिनेशन है, रेडियस इज एनर्जी इन मूवमेंट। क्या बोला उसने, रेडिएशन इज एनर्जी इन मूवमेंट, मतलब जब एनर्जी मूव करने लगे, ओहो एनर्जी ऊर्जा, जब ऊर्जा मूव करने लगे, एनर्जी मूव करने लगे, तो हम इसको रेडिएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का मूवमेंट है, ये डिफरेंट तरीके से हो रहा हो सकता है। देखिए बात समझिए, क्या पता कुछ पार्टिकल हैं जो पोजीशन ए से कहाँ जा रहे हो, पोजीशन बी पे, मतलब ये एक पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, क्या पता इस एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि इस एनर्जी का मूवमेंट कराने के लिए कुछ पार्टिकल जिम्मेदार हो। देखिए ये देखिए बॉल जैसे जाती है ना, ये बॉल को हमने फेंका तो हम बोलेंगे बॉल काइनेटिक एनर्जी लेके जा रही है, हालांकि वो रेडिएशन नहीं है एक तरीके का, बट आप समझो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्या पता वो एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हो। या तो ऐसा हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को एनर्जी ले जाने के लिए कोई स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिम्मेदार हो, जैसे कि ये जो वाइट लाइट आती है सनलाइट, ये एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वाइट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करते हैं। हमने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट के वीडियोस अगर आप देख के आए हो क्या, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंट प्लेन में जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन होता रहता है और कुछ आगे बढ़ता है, जो कुछ आगे बढ़ता है वो एनर्जी होती है, करेक्ट। यानी कि ये रेडिएशन किन्हीं पार्टिकल्स के द्वारा, मतलब ये रेडिएशन जब होगा तो जब एनर्जी फॉरवर्ड हो रही होगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो पार्टिकल के द्वारा भी फॉरवर्ड हो सकती है और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा भी फॉरवर्ड हो सकती है, करेक्ट, ये बात हो गई। अब पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत बड़ा अंतर होगा, आगे सब पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपके ये आए हेनरी बैकलर, करेक्ट। तो हेनरी बैकलर ने क्या देखा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे बच्चों जैसे कि यूरेनियम, करेक्ट, कुछ एलिमेंट ऐसे थे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यूरेनियम, ध्यान से सुनिए, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जैसे कि यूरेनियम, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन करते थे, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये क्या बोल दिया, मतलब देखिए इसको हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। देखिए जरा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेटअप है हमारे पास, करेक्ट, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे यूरेनियम ऐसे रखा हुआ है। अब इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं किया जा रहा है इस यूरेनियम के साथ, बेचारा ऐसे ही रखा हुआ है चुपचाप, यूरेनियम एलिमेंट है आपको पता है एक तरीके का, और इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, क्लास 10 में भी पढ़े हुए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब होता क्या है, ध्यान से चेक करिए, ये ना ये स्पॉन्टेनियस एमिशन बेटा करता रहता है रेडिएशन का, यानी कि लगातार इसमें से एनर्जी निकलती रहती है, वो एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में भी निकल सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी, या फिर वेव्स के फॉर्म में भी निकल सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन तरीके के रेज निकलते हुए देखे, जिनको नाम दिया गया अल्फा रेज, बीटा रेस और गामा रेस, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ एक प्लेट लगा देंगे तो ये बैटरी का नेगेटिव हो जाएगा, इस पर माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हम सब पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं, यहाँ देखिए ये प्लस 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 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ रेस तो निकलती हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती हैं, हमने देखा, ये देखिए कुछ रेज निकल रही हैं, इनको अल्फा रेज बोला गया, ठीक है ना। तो ये देखो और ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए ये जो आपकी रेज हैं कुछ, ये चली गई आपकी कहाँ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, करेक्ट। और यूरेनियम में कुछ नहीं कर रहे हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रहा है भैया, ये रेडिएशन हो रहा है पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है, इसको हमने बोला क्या, अल्फा रेज। तो ये हो गई आपकी अल्फा, हमने बना दिया है, अरे यार अल्फा नहीं देखे हो, गूगल करो, ये देखो ये अल्फा ऐसे बनता है, करेक्ट। अब इतने डिजाइन में अल्फा कौन बनाएगा, तो अल्फा हम ऐसे शॉर्ट में बना देते हैं, करेक्ट, ये अल्फा रेज हो गई। अब यहां से हमने देखा कुछ स्पेशल टाइप के रेडिएशन निकल रहे थे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहे थे, यानी कि यहां जा रहे थे ऐसे, ये देखिए इनको भी हमने पार्टिकल्स को ज्यादा दिखाया, ठीक है, ये आपके कौन से रेज हैं, बीटा रेज, करेक्ट। और
कुछ रेज ऐसी थी ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। वो किधर जा रही थी, ये ऐसे सीधे जा रही थी, यानी कि अगर हम बोले तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखी है, प्लस से माइनस ऐसी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसी रेज थी जिसका कोई भी डेविएशन नहीं होता था, वो सीधे निकल जाती थी, वो उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता था, करेक्ट। तो ये देखिए, ये जो निकल रही है ये इसमें वेव्स कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ये सीधे ऐसे निकल जाती, ये हो गई आपकी कौन सी रे, गामा रेस। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक बात बताओ, इस डायग्राम से तुम मुझे कुछ बता सकते हो, अगर मैं तुम्हें अल्फा रेस का नेचर पूछूं, तो अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, ये यूरेनियम को जब उसने देखा, किसने, हेनरी बैकलर ने, कि भाई ये यूरेनियम रखा हुआ है और स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन कर रहा है, लगातार इसमें से कुछ रेडिएट हो रहा है। तीन तरीके की रेस देखी उसने, और कैसे देखी वो आपको पता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाकर वो ग्लो किया होगा, पता है ना। तो तीन तरीके की रेस देखी, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, करेक्ट। तो ये फिनोमेना उन्होंने सबसे पहले देखा, तो इन्होंने इसको नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमेना को क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जब कोई एलिमेंट रखा हो और वो स्पॉन्टेनियसली एमिशन करता हो, किसका, एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम आपका इसका एक एग्जांपल है, करेक्ट। और ऐसे एलिमेंट जो ये फिनोमेना शो करते हैं, यानी कि जो रखे अपने आप कंटिन्यूसली रेडिएशन करते रहते हैं, करेक्ट, उन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, अब मेरा सवाल सुनिए, ये जो अल्फा रेज हैं आपकी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आप एक बात बताओ, अल्फा रेस क्यों नेगेटिव की तरफ चली गई, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, बताइए, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है। आप बोलोगे सर पॉजिटिव, हाँ भाई, प्लस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर हमने आपसे पूछा अल्फा रेस का नेचर कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव नेचर की होंगी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी कहीं ना कहीं, करेक्ट। तो क्योंकि देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ बताओ, क्योंकि चार्ज हमेशा पार्टिकल पे होता है, हमने आपको शुरू में बताया था, बिना मास के चार्ज नहीं होता है। अरे कोई मास होगा तब तो उस पर चार्ज होगा यार, ये मार्कर है, मैंने ऐसा बालों में रब किया तब तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आएंगे ना, चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मास पे ही चार्ज है, करेक्ट। यानी कि जो चार्ज होता है वो किसी मास की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अल्फा रेस का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा, लेकिन ये हम बोलेंगे पॉजिटिव नेचर, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे, तो जवाब, पॉजिटिव चार्ज किसी पार्टिकल पे होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अल्फा रेस जो आपकी किससे मिलकर बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एक तो ये चीज़ आपने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। दूसरा आपने क्या निकाला, ये जो बीटा रेस है, बताइए ये बीटा रेस प्लस की तरफ क्यों गई। तो आप बोलोगे सर बीटा रेस जो है वो ज़रूर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी, बिना पार्टिकल के तो चार्ज ही नहीं पॉसिबल है, इसलिए पार्टिकल ज़रूर होंगे इस रेज में। तो बीटा रेस किससे मिलकर बनी हुई है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से, ठीक है। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं देवर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता था, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। नाउ अब आप ध्यान दो, अब हमने आपसे पूछा कि ये गामा रेज का क्या, तो आप बोलोगे सर गामा रेज न्यूट्रल हैं, NEUTRAL न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है क्यों, अगर इन पे कोई चार्ज होता तब तो मान लो इस पे पॉजिटिव होता इधर जाती है, नेगेटिव होता इधर, ये तो कहीं गई नहीं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुई या डेविएट नहीं हुई, इसका मतलब ये सीधे निकल गई, मतलब ये न्यूट्रल है, सही है। अब ये न्यूट्रल है तो इसकी जब बाद में और जानकारी ली गई, करेक्ट, तो ये देखा गया कि जो गामा रेज है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गामा रेज है बेटा, इट इज सिमिलर टू व्हाट, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये जो गामा रेज है इट इज सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक लाइक एक्स रेज, जो भी आप एक्स रेज पढ़ के आओ वैसी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही थी गामा रेज, यानी कि गामा रेज में जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और एक चीज़ और, ये गामा रेज जो हैं ये पार्टिकल से नहीं मिलके बनी है, ये स्पेशल टाइप की वेव्स होती होंगी जिनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता होगा, करेक्ट। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो मोटी मोटी बात अभी तक आपने क्या सीखी, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई एलिमेंट रखा होगा और वो स्पॉन्टेनियसली एमिशन करता होगा, एमिशन ऑफ रेडिएशन करता होगा, इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो ऐसा शो करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, करेक्ट। और भी एग्जांपल्स हैं, आप गूगल से अपनी बुक से सर्च कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे जब इस एक्सपेरिमेंट को किया
किसने, हेनरी बेकलर ने, तो उसने तीन, हाँ इस फिनोमेना को उसने देखा, करेक्ट। इसमें तीन तरीके की रेज निकल रही थी, अल्फा, बीटा, गामा। गामा सीधे चली जाती थी, अल्फा नेगेटिव की तरफ, बीटा पॉजिटिव की तरफ। तो अल्फा इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, करेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा अल्फा रेज के बारे में समझ लो। तो ये अल्फा रेज जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होते थे? तो जवाब है ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता था, हीलियम का न्यूक्लियस होता था ये, करेक्ट। आइए हम आपको थोड़ा सा हीलियम एटम के बारे में जानकारी दे दें, जिनको नहीं है पता आप सुन लो मेरी बात बच्चों ध्यान से। ये जो हीलियम का एटम होता है, करेक्ट, इसके, अच्छा इतना तो सबको पता होगा, हालांकि हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि एटम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताएंगे वो लोग कि भाई एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है, करेक्ट। अभी रदरफोर्ड के मॉडल में तुम्हें पता चल जाएगा एटम का एक न्यूक्लियस होता है। आपको पता है प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या हमने बोला? टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? हीलियम के एक एटम में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हीलियम के एटम में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू प्रोटॉन होते हैं और टू न्यूट्रॉन होते हैं, करेक्ट। अब हमने आपसे पूछा कि इस हीलियम में अगर प्रोटॉन कितने हैं? टू हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? टू हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने? इलेक्ट्रॉन भी कितने? टू हैं। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? टू हैं। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस पर नेट चार्ज कितना है? इस पर नेट चार्ज कितना है बताओ? इस पर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज बोलो, नेट चार्ज कितना है? जीरो यार। क्यों? प्लस टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइनस टू इलेक्ट्रॉन की वजह से और प्लस टू प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन की वजह से प्लस टू और इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस टू, तो नेट चार्ज कितना है? जीरो है। इसलिए हीलियम का जो एटम होता है वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, किसी भी कारण मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये टू इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए, अरे कुछ एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, बेचारा बाहर निकल गया ये, तो ये टू इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे, अब ये टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहे ही नहीं, तो क्या तैयार हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए, तो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बन जाएगा। क्या हमने बोला? तो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बन जाएगा। ये हमने क्यों बोला? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बन जाएगा क्योंकि यार ध्यान से चेक करो, इस एटम में अब इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं, तो ये बाहर वाला पोर्शन इसमें बचा ही नहीं। आप सोच सकते हो ऐसे, इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं तो सिर्फ ये न्यूक्लियस ही तो बचेगा। अब ये जो न्यूक्लियस बचेगा इसको हम लिखेंगे कैसे? तो ध्यान से चेक करो, ये एच ई लिखेंगे पहले, ठीक। और अब इस पर नेट चार्ज कितना है? प्लस टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो टोटल जो अब चार्ज आ रहा होगा किसके कारण होगा? प्रोटॉन की वजह से, तो 2 प्लस आ जाएगा इस पे चार्ज। तो हीलियम का जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बचता है कब? जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के किसी भी कारण से चले जाते हैं। तो ये जो हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, इस अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है, ठीक है। मास निकालना अभी हम आपको सिखाएंगे, आगे चल के मास नंबर वगैरह सब निकालना सिखाएंगे, परेशान ना हो। अभी के तौर पे आप इस तरीके से सोचो कि इसका मास कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का आप मास कैसे निकालते हो? आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जोड़नी होगी, बस याद रखिए। तो प्रोटॉन कितने? 2। न्यूट्रॉन कितने? 2। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर यहाँ पर मास जो है अल्फा पार्टिकल का मास है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे लिख दे रहे हैं। ये देखिए एम ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 यूनिफाइड मास, ठीक है, 4 यूनिफाइड मास। अब ये जो 4 यूनिफाइड मास होता है ना केमिस्ट्री भैया, ये आपके लिए हल्का होता होगा, ये केमिस्ट्री में काफ़ी भारी मास होता है, ठीक है। हाँ, पार्टिकल छोटा है, ठीक है ना, पार्टिकल छोटा है, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना मास काफ़ी होता है केमिस्ट्री में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बात समझ गए होगे मेरी तुम, ठीक है। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बच्चों, ये काफ़ी भारी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, ये हैवी पार्टिकल्स होते हैं। और अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा जो रेज होती हैं अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनी हो, और ये अल्फा पार्टिकल आर नथिंग, ये काफ़ी हैवी पार्टिकल होते हैं। दे आर नथिंग, दे आर वॉट? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है वही जब पॉजिटिवली बच जाता है, जब हीलियम के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी में देखा गया वो ये फिनोमेना नहीं देखा गया, देखा कुछ ये गया भैया, मेरी बात ध्यान सुनो। यहाँ से जो अल्फा रेज निकल रही थी, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी, उन्होंने बोला इसको अल्फा पार्टिकल। क्या बोला? अल्फा पार्टिकल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब उन्होंने इसको अल्फा पार्टिकल बोला, तो उन्होंने इसकी रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कराई, ऐसे समझो जरा, ठीक है। कहाँ पे करें इसको? ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पे कर देते हैं, अरे प्लेट वेट हटा देते हैं, ठीक है ना। समझो, जब ये अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिए तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ध्यान से चेक करिए, ये अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हीलियम का एटम मिल जाता था। यस, तब उनको पता चला कि अच्छा, जो 2 इलेक्ट्रॉन खो गए थे, अभी भी नहीं समझ में आया तो सुन लो, अगर मैं यहाँ अल्फा की जगह, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अल्फा पार्टिकल ही क्या होता है, हीलियम का
पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो अल्फा की जगह मैं एच ई टू प्लस लिख दूँ, सही है, और प्लस इसमें टू इलेक्ट्रॉन कर दूँ तो हीलियम का एटम ही तो बनेगा भैया। क्यों? हीलियम का जो न्यूक्लियस था जो कि पॉजिटिव चार्ज था, अगर उसको वापस दो इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वापस वो हीलियम का एटम बन जाएगा, सही है। तो यही चीज़ हुई थी क्या कि अल्फा पार्टिकल को जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करा के वापस, मतलब वापस से उसको इलेक्ट्रॉन देके देखा गया तो हीलियम का गैशियस एटम तैयार हो जाता था। अभी ये गैशियस एटम के आगे की चैप्टर में बात करेंगे, परेशान ना हो। अभी आप ये समझो कि जब अल्फा पार्टिकल को टू इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए जाते थे तो हीलियम का एटम तैयार हो जाता था। तब उनको पता चला कि वो एक तरीकी जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे थे भैया, वो हीलियम का न्यूक्लियस ही है और कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस ही बचा है, इलेक्ट्रॉन जब उसको छोड़ के चले जाते हैं तो वही अल्फा पार्टिकल है। ये चीज़ हो गई। और बीटा पार्टिकल हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके वो बना होता था, गामा न्यूट्रल होते थे आपके क्योंकि गामा रेज होते थे, करेक्ट। तो इतनी बातें हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनो। अगर मैं पूछूं कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी, यानी किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा कौन पेनिट्रेट करेगा, तो अगर आप अल्फा पार्टिकल बोल रहे हो तो आप गलत हो। क्यों? अरे बड़ी सी बॉल ले लो और दीवार पे मारो तो वो तो यार बाउंस बैक हो जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, वो पेनिट्रेट कर देगी क्या, दीवार को पेनिट्रेट करके निकल जाएगी क्या? नहीं। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होगी वो जो भारी वाले पार्टिकल होंगे उनकी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसकी? अल्फा की, याद रखिए, ठीक। और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर बताइए किसकी होगी? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर भैया वेव्स की होती है। हाँ, एग्जाम्पल दें आपको, जैसे साउंड वेव हो गई, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, साउंड वेव उधर गाना चल रहा है तुम्हारे रूम में भी आ जाता है, साउंड वेव दीवारों को भी पेनिट्रेट करते हुए आ जाती हैं, तो इसमें से वेव कैरेक्टरिस्टिक जिसका होगा, सही है, वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वेव कैरेक्टरिस्टिक किसका है बताइए? गामा रेस का। बस याद कराने का ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो गामा रेस का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, बचा कौन बीच में? बीटा। तो बताओ सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी? तो गामा की, ठीक है। गामा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, बीटा की उससे लेस और अल्फा की सबसे लेस। तो इसको हम लिखते कैसे हैं याद रखिएगा, इसको हम इस तरीके से रखते हैं, लिखते हैं कि बीटा को हमने कंपेयर किया किससे? अल्फा से। तो हमने क्या पाया? बीटा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा का 100 टाइम्स है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा सबसे पहले हमने बता दिया भाई अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? लीस्ट होती है, करेक्ट। ये देखिए पेनिट्रेटिंग पावर हमने लिखी हुई है अल्फा पार्टिकल की, लीस्ट, सबसे कम होती है अल्फा की। फिर हमने बात करी बीटा के बारे में, तो बीटा को आप कंपेयर करोगे अल्फा से, यानी कि अल्फा की सबसे कम होती है, तो आप चाहे आप बीटा रेस के बारे में बोलो चाहे आप गामा रेस के, आप कंपेयर अल्फा से ही करोगे। तो बीटा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो 100 टाइम्स ऑफ अल्फा होती है। तो नोट कर लेंगे बीटा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो 100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होती है। इसी तरीके से जब आप गामा की पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात करेंगे तो गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो अल्फा के 1000 टाइम्स होगी, यानी कि अल्फा जितना पेनिट्रेट कर सकता है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा आपका गामा पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो गामा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 1000 टाइम्स दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने बात करी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। तो हेनरी बैकलर ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप ही कुछ करे बिना स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन करते रहते हैं, ठीक है, एंड नेम दिस फिनोमेना एज रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी बोला गया और जो एलिमेंट्स ऐसा शो करते थे उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया, ठीक है ना। दीज एलिमेंट आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूरेनियम, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब ये फिनोमेना पहली बार देखा गया, करेक्ट, तो ये एक नई फील्ड बन गई फिजिक्स में, रेडियो एक्टिविटी, जिसको आप क्लास 12th में डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, चैप्टर का नाम ही होगा रेडियो एक्टिविटी, वहाँ आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो एक अलग फील्ड बन गई रेडियो एक्टिविटी में, लोग काम करने लगे। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है उनके नाम हैं मैडम क्यूरी, पेरे क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सॉरी, ओके, इन्होंने काम किया है, तो भैया थोड़ा इनका सम्मान कर लेना, याद कर लेना, और कोई बात नहीं है। नाउ इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपने अभी रेडिएशन देखा, ठीक है ना, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसमें आपने क्या देखा? अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब इनकी खासियत क्या थी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या कि अल्फा रेज क्या था? कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप चेक कर लीजिए अल्फा पार्टिकल क्या होता था? हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिस पे 2 पॉजिटिव होता था क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया, तो 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में बचे होंगे जिसके कारण 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है इसका, हमने आपको बताया एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, 2 + 2 कर दो 4 आ जाएगा, करेक्ट, ये बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो और यू लगा दो, ठीक है। नाउ ओके, यू का मतलब समझ रहे हो ना, 4 यूनिफाइड मास, मतलब ये कार्बन 12 के एक एटम के
कार्बन 12 के 8 एक वन एटम के 1/12 पार्ट से 4 टाइम्स के हैवी है, करेक्ट। नाउ अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं थे, हीलियम का न्यूक्लियस ही था, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, उसको तो बचा हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस और क्या बचा। नाउ देखिए बीटा रेस, करेक्ट। बीटा रेस क्या थी, ये न्यूक्लियरली चार्ज पार्टिकल्स थी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बीटा रेस किससे मिलकर बनी हुई थी, न्यूक्लियरली चार्ज पार्टिकल से, जो कि सिमिलर, जो न्यूक्लियरली चार्ज पार्टिकल थे वो सिमिलर थे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, करेक्ट। नाउ गामा रेस क्या है, ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, आपको पता है गामा रेस ये हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, लाइक एक्सरे, जैसे एक्सरे के बारे में आपने पढ़ा था वैसी वैसी इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक थी, आर न्यूट्रल इन नेचर, इन पे कोई चार्ज नहीं होता था, न्यूट्रल नेचर है, तभी ये सीधे निकल गई, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई ना नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान रहे गामा रेस पार्टिकल से नहीं मिलकर बनी हुई हैं, करेक्ट, एक तरीके की वेव्स होती होंगी। नाउ पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में हमने आपको बताया कि गामा की सबसे ज़्यादा, उससे कम बीटा की, सबसे कम अल्फा की, गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा से 1000 टाइम और बीटा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा से 100 टाइम्स, ओके। तो आई थिंक ये फिनोमेना आपको बच्चों सारा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, तो वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो प्रिंट कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, कॉपी ज़रूर बनाएं, नोट ज़रूर बनाएं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स को भी प्रिंट कमेंट से पढ़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।